शिवराज सिंह चौहान के एक्शन ने मध्य प्रदेश को हिला डाला। दमोह के स्कूल में अब नहीं चलेगा हिजाब, अब नहीं गाया जाएगा लब पे आती है दुआ, सिर्फ होगा राष्ट्रीय गान। दमोह से बड़ी खबर सामने आई थी, कल पूरे सोशल मीडिया में यही चर्चा रही, जहां स्कूल के पोस्टर में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहने दिखाया गया था। हिंदू छात्राओं के हिजाब पहनने के आरोप लगने के बाद हिंदू संगठन द्वारा इस मामले में विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के निर्देश जारी किए थे। वहीं गृह मंत्री के आदेश के बाद सीएम ने भी इस मामले में अब सख्ती दिखाई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त और तीखे तेवर के बाद दमोह कलेक्टर ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर दी है। इस स्कूल को अब न सिर्फ हिजाब से मुक्ति दिला दी गई है, बल्कि बताया जा रहा है कि स्कूल की प्रेयर में जो गीत गाया जाता था उसे भी हटा दिया गया है। दरअसल इस स्कूल का एक पोस्टर वायरल हुआ था, जिसमें स्कूल की टॉपर लिस्ट लगी थी और इन टॉपर्स में कुछ हिंदू समुदाय की बच्चियों को हिजाब पहने दिखाया गया था। हिजाब पहने स्कूली बच्चियों के मामले को लेकर कल दिन भर सोशल मीडिया पर ये मुद्दा छाया रहा। अलग अलग माध्यमों पर लोग स्कूल प्रबंधन पर जमकर गुस्सा उतारते नजर आए। कई हिंदू संगठनों ने स्कूल के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये मामला जब सीएम शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में आया तो उन्होंने निजी स्कूल में कथित तौर पर हिजाब पहनाए जाने के मामले पर बड़ी प्रतिक्रिया दी और एक्शन के निर्देश भी जारी कर दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में दमोह जिले के कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उसकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है, दमोह के एक स्कूल का है, मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये आदेश दिए, तुरंत प्रशासन भी एक्शन में आ गया। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना, ये गीत अब दमोह के गंगा जमुना स्कूल की प्रेयर में नहीं गाया जाएगा। प्रातःकाल प्रार्थना में अब केवल राष्ट्रगान जन गण मन ही गाया जाएगा। कलेक्टर दमोह ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश पर स्कूल मामले में गठित समिति जांच करेगी कि ये सब किन परिस्थितियों में हुआ, और इसके साथ ही हिजाब से भी मुक्ति दिला दी गई है। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने भी ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक प्रथाओं का अभ्यास करवाना संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। इसके साथ ही दमोह कलेक्टर को नोटिस भेजने की बात कही गई थी। इस मामले में जब स्कूल प्रशासन से बातचीत की गई तो मुश्ताक खान, जो स्कूल के संचालक हैं, उनका कहना है कि यूनिफॉर्म में स्कार्फ शामिल था, लेकिन इसे पहनने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाता, स्कार्फ को हिजाब समझा जा रहा है। वहीं एसपी ने कहा कि अब तक किसी के द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, जबकि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद दमोह कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब हिजाब के बंधन को हटा दिया है। साथ ही अब से प्रातःकालीन प्रार्थना में राष्ट्रगान गाया जाएगा, यानी कि इस मामले में बड़ी ही तेजी से एक्शन लिया गया, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह ने कड़ा रुख जो अपना लिया था। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।